नवीन चुनाव कार्यालय का गठन किया गया है, एक नई ही वातावरण में एक नया हॉल यहाँ पर बना है जो हाईटेक है, और यहाँ पर लगभग 30 पुलिसकर्मी हैं जिसमें 6 दरोगा भी हैं, 2 इंस्पेक्टर भी हैं, दो एडिशनल एसपी इसमें काम कर रहे हैं और एक सीओ भी इसमें काम कर रहे हैं। चुनाव सेल वायरलेस सिस्टम से लैस है, इंटरनेट से है, इसमें प्रिंटिंग आदि की सुविधा भी है और निरंतर थानों के संपर्क पर रहता है। रोज़ थानों से पूछा जाता है कि कितनी बरामदगी हुई है, क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं, और जहाँ जहाँ लगता है कि कार्रवाइयाँ कम हो रही हैं अपेक्षा के अनुसार, उन सबको ये कहा जाता है कि आप उसमें तीव्रता लाएं, शीघ्रता से ये कार्य करें। इसके अलावा जैसे शराब है, मुख्यतः नारकोटिक्स है और अवैध असले हैं, इसकी धरपकड़, गुंडा गैंगस्टर एक्ट अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई, अंतर्गत 110G कार्रवाई, CRPC में 107-16 के अंतर्गत बाउंड डाउन, 116-3 के अंदर फाइनल नोटिस जारी करवाना, ये सब चीज़ें निरंतर देखी जा रही हैं। इसके अलावा जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित होता है, जैसे आगामी होली का त्यौहार भी जो चुनाव से पहले है, तो उसमें कैसे क्लस्टर्स बनेंगी, कैसे आपके सेक्टर और जोन बनेंगे, ये सब बातें यहाँ पे ध्यान में रखी जा रही हैं। फोर्स का ऑडिट, हमारे हथियारों का ऑडिट, कितने हथियार हैं, कितनी आवश्यकता होगी, कितना फोर्स है, कितनी आवश्यकता होगी, कितने वाहनों का ऑडिट, ये सब चुनाव सेल में देखा जाता है। जटिल प्रक्रिया है और पूरी संजीदगी के साथ हमारा चुनाव सेल ये कार्य कर रहा है। कई समय सीमाएं इसमें हम लोगों ने तय की हैं, उसके अनुसार कार्य चल रहा है। जो वल्नरेबल क्षेत्र है, जहां वोटर्स को कोई प्रभावित कर सकता है या डरा सकता है, वहां पर हम लोग चौपाले लगा रहे हैं, वहां पर SHO CO स्वयं भ्रमण कर रहे हैं। CPMF का जनपद में आगमन हो गया है, 2 कंपनी हमको मिली हैं, अगले कुछ दिनों में हम लोग इनका फ्लैग मार्च भी अब शुरू करवा रहे हैं ताकि एरिया डोमिनेशन हो सके। एक हेल्पलाइन नंबर 94-54-40-51-56 जारी किया गया है, जिसमें जनता के व्यक्ति यदि उन्हें कोई डराता है, धमकाता है, वोट डालने से मना करता है या ये दबाव बनाता है कि अनावश्यक रूप से प्रलोभन दे करके किसी भी तरह से कि वोट किसी एक के पक्ष में ही करें, अनैतिक दबाव यदि बनाया जाता है, तो 94-54-40-51-56 इस नंबर पर जनता का कोई भी व्यक्ति अपनी रिपोर्ट दर्ज कर सकता है, तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, ये क्रियाशील हो गए हैं, आप देख सकते हैं कि रोज़ धरपकड़ हो रही है। कल भी 30 लाख से ऊपर की रकम एक जगह बरामद हुई थी, उससे पहले एक जगह 11 लाख हुआ था, 2.5 लाख की बरामदगी हुई थी और आज भी बरामदगियों की सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही हैं। तो इस तरह से देर रात भी चेकिंग हो जाती है, जगह बदल बदल के चेकिंग होती है, आकस्मिक रूप से चेकिंग होती है, इस बात का हम लोग पूरा ध्यान